हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के नंबर आए और एक कंपनी के नंबर आया जो पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। उस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, उसके नंबर्स भी देखेंगे और किन कंपनी को उसके नंबर से फ़ायदा हो सकता है, उस नंबर से हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि उसका पूरा सेक्टर अच्छा खासा चलने वाला है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके के वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे आते रहे और आपका पैसा बनता रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप कल के दिन में ही 2-3 वीडियो अपलोड करी है और अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है जो कि 60% के ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है। श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहां पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये लास्ट में जैसे ही इस कंपनी की यहाँ पर देखिए एक साथ जंप लगाइए, लगभग 4% के लगभग ये कंपनी भागी है आज के दिन, यहाँ पर देख सकते हैं 5% तक, और उसके बाद फिर नीचे गिरती हुई नजर आई है। क्यों, क्या रीज़न है कि ऊपर गई और फिर इसके नीचे गई, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। बट इससे पहले हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। फाइव डेज़ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, ओके। और मैंने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई थी और कंपनी का नाम बजाज कंज्यूमर है, आपको पता ही, बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी के रिजल्ट आ जाए भी है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अच्छा खासा है, ईयर टिल डेट का चार्ट पैटर्न अच्छा खासा है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते है, काफी ऊपर गया, वोलेटिलिटी से भरा हुआ है ये शेयर। तो बजाज कंज्यूमर करता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो बजाज कंज्यूमर के देखिए प्रोडक्ट आते हैं, एफएमसीजी से बिजनेस से रिलेट करता है। और अगर हम देखें इसके प्रोडक्ट, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नो मार्क्स के जो इसके फेस वॉश हो गए, स्क्रब्स हो गए, एज वेल एज आमंड ऑयल जो आप इसके सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्किन में, तो आप यहां पर देख सकते हैं हेयर केयर में, यहां पर आलमंड ऑयल जो आप यूज करते हैं, बजाज आलमंड ऑयल, ओके। यहां पर आप देखिए ब्राह्मी आमला, बजाज आमला, ओके, जास्मिन, यहाँ पर अब इन ऑयल्स को आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे घरों में यूज़ भी किया जाता है। तो ये कंपनी उस सेक्टर में लीडिंग भी कह सकते हैं कि एक तरीके से लीडिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का यूज़ होता है। तो इसके देखिए एक नंबर आ गए हैं और इसने डिविडेंड भी दिया है। और अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो देखिए 10 साल में 205 के रिटर्न दिया है, 205% के, और काफ़ी टाइम से ये स्ट्रगल मोड पर चल रही है, इससे हमें अंदाजा आ जाता है। बाकी एक साल की बात करें तो लगभग आपके पैसे को दोगुना कर चुका है। और यहां पर अगर हम यहां पर देख लेते हैं और भी कुछ चीजें, तो इसके देखिए रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। तो देखिए चार रुपये का, मतलब 400% का इसने डिविडेंड दिया है, 4 रुपये का, 1 रुपये की ईच वैल्यू इसकी फेस वैल्यू है। और अगर हम इसके नंबर्स की तरफ ध्यान दे देते हैं, तो यहां पर इसके नंबर्स आपको नीचे की तरफ थोड़ा आते हैं, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नंबर है ये, और ये नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन ऑडिटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो इसके रिजल्ट्स है, इसके रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। अगर यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स है ये इन लैक्स में है, यहाँ पर पहली बात हमेशा याद रखना है, ये जो भी नंबर मैं अनाउंस करूँगा वो लैक्स में है। और यहाँ पर ये 2020 लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, ओके, यहाँ पर Q4 के और लास्ट ईयर के। और बात करें यहाँ पर ये रिसेंटली जो क्वार्टर चल रहा है, ओके, Q3 के यहाँ पर रिजल्ट्स है। और बात करें ये जो रिसेंटली क्वार्टर है Q4 के रिजल्ट यहाँ पर है, तो ये Q4 के रिजल्ट है, ये Q3 के, और ये Q4 के रिजल्ट है बट ये लास्ट ईयर के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल इनकम की बात करते हैं, इसमें सेल्स ऑपरेशन के थ्रू कितना पैसा कमाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ गुड एंड अदर ऑपरेशन रिवेन्यू। तो और यहाँ पर टोटल रिवेन्यू अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर जो Q4 का क्वार्टर था, लगभग 17,538 लाख रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू था, ओके। एज वेल एज बात करें लास्ट क्वार्टर की Q3 की, तो 24,726, और अभी की बात करें तो 24,600 यहाँ पर लैक्स एंड रुपीज़ में टोटल रिवेन्यू होता हुआ नजर आया। बाकी अदर इनकम वगैरह सब चीज़ मिला के टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम लास्ट क्वार्टर में Q4 में अगर बात करें लास्ट ईयर के, 18,374 का लाख इन रुपीज़ के यहाँ पर इनकम थी। तो और लास्ट क्वार्टर Q3 की बात करें 25,647, और अब की बात करें तो 25,231.86 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई हमें नज़र आई है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जंप है, और यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट नज़र आई है। तो किस वजह से गिरावट है? एक तो ऑपरेशन में भी यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है, बाकी अदर इनकम में भी यहाँ पर इस क्वार्टर में ज़्यादा था, तो अदर इनकम खास मानते नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो लगभग इक्वल इक्वल ही हमें नज़र आता है। बट अगर एक्सपेंस की बात करते हो तो कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसिज है उस पर काफ़ी इस बार कंट्रोल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर एक्सपेंसिज वगैरह सब चीज़ लगा के तो टोटल एक्सपेंस तो लास्ट Q4 में अगर बात करें तो 15,405 टोटल एक्सपेंस था, और अगर इस लास्ट क्वार्टर की Q3 की बात करें 18,592, और अभी की बात करें 18,700 लाख रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं। तो अगर टैक्स वगैरह सब चीज़ देखने के बाद सब कुछ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में Q4 में लास्ट ईयर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,452 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की Q3 की तो 5,822 लाख रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट था, और अब की बात की करें तो 5,390.20 यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो हमें गिरावट दिखाई दे रही है, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा अगर बात करें दुगने दुगने दुगना हमें प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। और अगर हम यहाँ पर सब चीज़ बात कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके हमने प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर छोड़ दिया है और हमने सीधे प्रॉफिट फॉर द पीरियड ही देख लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप दिखाई दी है, और बाकी क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होती हुई नज़र आई है, और ये हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट है। तो अगर बात करें यहाँ पर कितना EPS है, तो EPS की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में 3.95 था, इस क्वार्टर में 3.65 है, और लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q4 में 1.66 है। तो ईयरली बेसिस पे तो जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें गिरावट नज़र आई है, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे नंबर इसके आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि आप यहाँ पर न्यूज़ से भी देख सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर Q4 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप्स, ओके ये ईयरली बेस पे बात हो रही है, तो लगभग 55 करोड़ रुपये का यहाँ पर नेट उसमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया था, तो रिजल्ट आया था तो एक साथ 5% की जंप, और उसके बाद एंड होते होते यहाँ पर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। तो अगर बात करें तो 1.5 साल में लगभग ये इसने हाईएस्ट पे भी आया है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो इसने 52 वीक हाई जो लगाया है वो इस बार का सबसे ज़्यादा हाई है, और ये लास्ट टाइम कब अचीव हुआ था, तो अगर हम देखते हैं लास्ट टाइम कब अचीव हुआ था तो ये अचीव हुआ था 15 जुलाई 2019, तो लगभग अगर हम देखें तो लगभग 20 से 21 महीने पहले, ओके 20 से 21 महीने पहले इसने 50 इस लेवल पर आया था, तो जो कि इसने यहाँ पर जंप लगाती हुई दिखाई है। देखिए एनुअली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, और एज वेल एज बात किया है तो इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो अच्छा खासा बिकता है वो हेयर ऑयल में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आलमंड ड्रॉप्स इनका अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ हमें नज़र आता है। तो यही इसी कंपनी का मेन बिजनेस का रेवेन्यू जो मुझे लगता है यहाँ पर आता हुआ इसी का सेगमेंट से आता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए अगर इस तब भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया दिया है, तो अगर आपको मैं अब ले जाऊं FMCG सेक्टर पे, तो देखिए FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ा है, ओके डाबर की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए, अमेरिको की बात की जाए, तो इनके तो प्रोडक्ट्स डेली घर में आपको एक दो प्रोडक्ट्स तो दिखेंगे, ब्रिटानिया हो गया, ITC हो गया, तो इन कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आएंगे तो आप सोच सकते हैं। तो आप इसमें अभी पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा जब इनके रिजल्ट आएंगे तो कमा सकते हैं। अगर बात करें तो टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग कब 6 मई को, मतलब 6 मई को यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं, तो कब आने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट, तो एक मिनट दीजिएगा मुझे,
हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट भी लगभग 28 या 29 के लगभग में यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस कंपनी इन कंपनियों की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, एफएमसीजी सेक्टर इस बार बूम करने वाला है और लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है, तो लॉकडाउन की न्यूज़ों में ये कंपनियाँ खुलेंगी और खुलेंगी तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। बाकी बजाज कंज्यूमर पर आप नज़रें बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है। और भी एफएमसीजी सेक्टर है जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आएगी, तो इसमें कम पैसा बाकी दूसरे सेक्टर में अच्छा खासा पैसा आप लगा सकते हैं जो कि मार्केट की लीडर भी है। अगर बात करें आरओसी की, 39 की आरओसी पे है कंपनी, अच्छी खासी यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर जंप लगाता हुआ दिखाई दिया है इस बार का। और अगर हम यहाँ पर देखें और भी चीज़ें, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 38% है, FIIs 22% है, DIIs 70.74% है। अगर बात करें पब्लिक की तो लगभग 21% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। तो ये सब पैरामीटर को देखते हुए और 52 वीक हाई यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन ही 324 रुपये का इसने 52 वीक हाई लगाया है। तो इस कंपनी की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना चाहते जा सकते हैं, बाकी फाइनेंशियल एडवाइज़र सबकी हेल्प ले लीजिएगा, अपनी खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। नॉलेजेबल वीडियो थी, बस बताना का मकसद क्या था तो यही था कि FMCG सेक्टर के रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं और जिस कंसोलिडेशन फेज पे सारे FMCG सेक्टर चल रहा है तो शायद उससे 52 वीक हाई अपना अगेन दोबारा लगाते हुए नजर आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।